आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा लेके आए हैं जिसकी मदद से आप अपने चेहरे के दाग धब्बे मिटाने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे और आपके चेहरे में जितने भी जो ब्लेमिश या कहें झाइयाँ हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। दोस्तों, मुहासों के लिए भी ये बहुत ही रामबाण उपाय है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे होने के कारण बहुत होते हैं, लेकिन उसमें अक्सर मुख्य कारण जो होते हैं वो ये होते हैं कि चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, डिस्कलरेशन या डार्क स्पॉट्स जिसे हम कहते हैं, उनके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस, अनियमित खान पान, आज की भागती दौड़ की ज़िंदगी में प्रदूषण और सूरज की रोशनी में अधिक काम करना और बढ़ती उम्र। जी हाँ, ये सभी कुछ ना कुछ आपके इन सभी चेहरे की जो रंगत है उसे मिटाने के लिए ये कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर करते हैं, लेकिन उन सभी से बचने के लिए प्राकृतिक उपाय भी ज़रूर होते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि इन प्राकृतिक उपायों को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि अक्सर लोग ज़्यादातर बाजार में जो मौजूद केमिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पीछे भागते हैं, लेकिन आमतौर पर उनके भागने के पीछे तो उन्हें हमेशा निराशा ही मिलती है, क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट्स में जो होते हैं, नाम से ही पता है आपको, केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो ना केवल आपकी जेब पर महंगे पड़ते हैं बल्कि आपके स्किन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, इनकी जगह मैं आपके लिए एक ऐसा प्राकृतिक नुस्खा लेके आया हूँ जो आपके लिए आपको दाग धब्बों से छुटकारा दिलाएगा और इन्हें अपनाकर आप अपने स्किन को हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे नीचे जाके लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ज़बरदस्त टिप्स जिससे आप घर पर ही अपनी औषधि बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम डायरेक्ट आते हैं नुस्खे की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केला जो हम अक्सर हमेशा खाते हैं, ना केवल हमें खाने में बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसका स्वादिष्ट भी होता है और हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले के छिलके जो हम अक्सर कचरेदान में फेंक देते हैं, इसके हमारे स्किन के लिए इतने बेशुमार फायदे हैं जो खासकर आपके चेहरे के जो रेड मुहासे होते हैं और जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उन सभी के लिए ये वरदान है। दोस्तों, केला और केले के छिलके में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण ये मुहासों में जो रेडनेस होती है, जो लालपन आ जाता है मुहासों में, उनको मिटाता है और जो इन्फ्लेमेशन उनको दूर करता है। साथ ही इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है ये। जी हाँ, इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपको पके हुए केला, जैसे पका हुआ केला है, इसको लेना है और इस पके हुए केले के छिलके के अंदरूनी भाग को अपनी स्किन पर 10 मिनट के लिए रगड़ना है। जैसे आप देख सकते हैं, ये अंदरूनी भाग है इस केले के छिलके का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, आपको इसको अपनी स्किन पर 10 मिनट के लिए अच्छे से रगड़ना है। जो भी आपका एरिया है स्किन का जहाँ पे आप महसूस कर रहे हैं कि मुहासे हैं, रेडनेस है और जो झाइयाँ हैं उन पे अच्छे से 10 मिनट के लिए आपको रगड़ना है। अब इसे जितनी देर रगड़ सकते हैं उतनी देर रगड़िए, उसके बाद उतनी देर तक रगड़ने के बाद आप उसे धो लीजिए। जी हाँ, 10 या 20 मिनट जितना आप कर सकते हैं इसे रगड़ने के बाद आप धो लीजिए और इस उपाय को आपको दिन में 3 बार करना है। जी हाँ, 3 बार करना है और इसके बाद चेहरे के जो आपके दाग धब्बे मिटने शुरू हो जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि आपके चेहरे के दाग धब्बे मिटाने के लिए उपाय दिए गए ये जो उपचार है इसे नियमित रूप से इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही अपनी स्किन का ठीक से ख्याल रखें, यानी हेल्दी भोजन का सेवन करें, खूब पानी पिएं और अपनी स्किन का मतलब स्किन जो है आपको सूर्य की रोशनी में डैमेज होने से बचाएं, यानी ज़्यादा सूरज की रोशनी में ना घूमें और अपनी स्किन को डैमेज होने से बचाएं, क्योंकि सूरज हमारी स्किन को डैमेज करता है। और यदि आपको मुहासों के कारण चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हैं तो रोज़ सुबह शाम किसी ऑर्गेनिक सोप या फेस वॉश से अपना चेहरा धोएं। जी हाँ,
ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि चेहरे पर अक्सर आप जब अपने भागते दौड़ ज़िंदगी में घूमते हैं तो आपके चेहरे पर चीज़ें धूल मिट्टी जमा होती हैं, और जिसकी वजह से आपके चेहरे के जो पोर्स हैं, स्किन के जो छिद्र हैं, वो बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि जब भी आप बाहर कहीं घूमें, वहाँ से वापस आएँ, तो अपने चेहरे को अच्छे से धोएं और अपने चेहरे को एक अच्छे फेस वॉश या फिर कोई भी अच्छी प्राकृतिक नेचुरल साबुन से ही धोएं। केमिकल से जो आजकल आजकल बाजार में बेशुमार जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनसे बचें और हमेशा नेचुरल रास्ते ही अपनाएं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन में, अपने स्किन में और अपने चेहरे पर उस ग्लो को महसूस कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम यूं ही वीडियोस लेके आते रहेंगे और आपके लिए हम यूं ही हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों, आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम जल्द हाजिर होंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। America, America.